अभिन्न द्वारकापुरी है। अभिन्न द्वारकापुरी क्यों है? क्योंकि राज भीमसेन की सहायता करने के लिए भगवान द्वारकाधीश आए। भीमसेन भगवान द्वारकाधीश के परिकर है, ब्रजेंद्र नंदन के परिकर नहीं है। यह अभिन्न गंगा सागर भी है और यह स्थान समुद्रगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग ब्रज में कहीं जाते हैं तो अगर हम खेलन वन में जाएं तो ठाकुर का नाम हो जाता है खेलन बिहारी। अगर हम बत्सवन में जाएं तो ठाकुर का नाम हो जाता है बत्सवन बिहारी। अगर हम दान गली में जाएं तो ठाकुर का नाम हो जाता है दान बिहारी। ऐसे यहाँ पर ठाकुर समुद्रगढ़ बिहारी अगर महाप्रभु को कहें या समुद्र बिहारी कहें तो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समुद्र गंगा जी से कह रहे हैं। गंगा कौन है? समुद्र की पत्नी है। तो समुद्र गंगा जी से कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ना, गंगा जी समुद्र से कह रही है कि हे प्रभु आप महाभाग्यवान हैं, कुछ ही दिनों में महाप्रभु का अवतार होगा और वो जगन्नाथपुरी में जाकर के आपके तट पर वास करेंगे, आप में विहार करेंगे। तो समुद्र से समुद्र जो सप्त समुद्र हैं वो अपनी पत्नी गंगा जी से क्या कह रहे हैं कि कहां हमारा भाग्य है, भाग्य तो तुम्हारा है क्योंकि नवद्वीप में महाप्रभु गंगा जी में विहार करते हैं। तो इसलिए समुद्र यहाँ पर आगमन करते हैं कि महाप्रभु की लीला में वो भी सहभागिता कर सके और महाप्रभु का दर्शन कर सके। देखो वैष्णव तत्व बड़ा ही दुर्गम है। गुरु जी से तो दीक्षा ली, मर्यादा का संबंध हो गया, तो गुरु जी का तो सम्मान सब समय शिष्य करते हैं, लेकिन वैष्णव तो भजन शिक्षा गुरु हैं, उनका सब समय सम्मान नहीं भी हो पाता। एक ही जगह अगर दीक्षा गुरु और वैष्णवगण उपस्थित हो जाए, शिक्षा गुरु उपस्थित हो जाए, तो जो अनाधिकारी है, जो कनिष्ठ अधिकारी है, जिसने अभी अभी साधन प्रारंभ मात्र किया है, वो वैष्णवों की महिमा नहीं जान पाता, क्योंकि वो कहता है कि गुरु जी ने मेरे को दीक्षा दी तो गुरु जी से तो मेरा जन्म जन्म का संबंध है, और वैष्णवों को वो पहचान नहीं पाता। लेकिन वही वैष्णव जब भजन शिक्षा गुरु बन करके उसको उन्नत अधिकार प्रदान करते हैं तब वो क्रंदन करने लगता है कि आहा, वैष्णव गण ही गुरु होकर आते हैं, हमारे दीक्षा गुरु भी पहले वैष्णव हैं, बाद में हमारे दीक्षा गुरु हैं, इसलिए सबको वो यथोचित सम्मान देता है। इसी प्रकार यहाँ पर परंपरा रही कि हमारे गुरु जी और भक्तिधर त्रिकम गोस्वामी महाराज जी यहाँ पर आगमन करके और पक्ष और विपक्ष में बैठ करके हरि कथा का तारतम्य, हरि कथा का वैशिष्ट प्रकाशित करते थे। एक श्लोक आता है सिद्धांत तत्स्तु अभेदे अपि श्री ईश कृष्ण स्वरूपयो है। अगर सिद्धांत की दृष्टि से देखें, सिद्धांत तत्व की दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सिद्धांत तत्स्तु अभेदे अपि रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपम। और अगर रस तत्व की दृष्टि से देखें तो जो कृष्ण का रूप है वो क्या है? उत्कृष्ट है, सुपीरियर है। एषां रस स्थिति, रस की यही स्थिति है भाई, प्रेम नदिया की धार उल्टी बहती है, जहां पर जितना विश्रम्भ होगा, जितनी धनिष्ठता होगी, वहां पर उतनी औपचारिकताएं कम होंगी। इसलिए भीमसेन भगवान द्वारकाधीश के परिकर है और सुमित्र सेन साधक भक्त होते हुए भी क्या लालसा कर रहे हैं, यह प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है कि एक बार नारद जी पहुंच गए इंद्रप्रस्थ पर
और देखा कि अभी महाभारत युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, महाभारत युद्ध से पहले की बात है। तो नारद जी ने कहा, भाई आपको तो बड़ा बहुत बड़ा राज्य मिल गया, अब आप एक काम कीजिए। युधिष्ठिर जी से नारद जी कह रहे हैं, पांचों पांडवों से नारद जी कह रहे हैं कि आप राजसूय यज्ञ कीजिए। राजसूय यज्ञ करने से आपके पुरखों को और आपको यश की वृद्धि होगी, आपके पुरखों को बड़ा सम्मान मिलेगा और आप फलेंगे फूलेंगे। तो राजसूय यज्ञ तो कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, इसमें पूरी पृथ्वी को आपको राजा बनना है। तो महाराज युधिष्ठिर ने चारों पांडवों को एक एक दिशा में विजय करने के लिए भेजा और कर एकत्रित करने के लिए भेजा। जो राजा कर नहीं देगा उसको युद्ध करना पड़ेगा और उसको पांडव परास्त कर करके उससे कर ग्रहण करेंगे। तो पूर्व दिशा में भीमसेन आए और आवारा बादल की तरह वो जीतते हुए कर इकट्ठा करते हुए वो कहां पर पहुंच गए, यहां समुद्र गढ़ में पहुंच गए। यहां पर कौन राजा है, यहां पर राजा है समुद्र सेन। भीमसेन की तो चतुरंगिणी सेना है, उसमें हाथी घोड़े पैदल ऊंट आदि सब कुछ है, महावीर है भीमसेन। किंतु राजा समुद्र सेन छोटे से राजा हैं, उनकी सेना भी छोटी है, किंतु वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनको विश्वास है कि अगर कैसे वैसे मैंने भीम को पसीना निकाल लिया तो कृष्ण उसकी रक्षा करने के लिए जरूर आएंगे, तो मैं कृष्ण का दर्शन कर लूंगा। जीते कोई हारे कोई उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, वैष्णवों का यही विचार होता है। तो राजा ने सेना को आदेश दे दिया और दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आकर के आमने सामने खड़ी हो गई और राजा समुद्र सेन ने भीमसेन के दांत खट्टे कर दिए। अब भीमसेन को बड़ी सोच हुई कि मैं पराजित हो जाऊं कोई बात नहीं, किंतु अगर मैं पराजित हो गया तो कृष्ण की कितनी अवमानना होगी कि कृष्ण परिकर भीम पराजित हो गए। तो तुरंत भीम ने किसकी शरण ली, तुरंत भीम ने भगवान द्वारकाधीश की शरण ली कि हे प्रभु ये तो बड़ी शर्म की बात होगी अगर मैं पराजित हो गया, आप मेरे लिए नहीं आप अपने लिए आइए। और प्रभु वहां पर उपस्थित हो गए, प्रभु का सुंदर रूप देख करके, नव जलधर कांति रूप देख करके, गले में वैजंती माला पहनी हुई है प्रभु ने, और राजा जो है गदगद हो गया, उसके हाथ से धनुष बाण छूट गया और भीमसेन समझे कि राजा तो भयभीत हो गया है और उन्होंने राजा को परास्त कर दिया। देखो द्रोणाचार्य को कैसे मारा धृष्टद्युम्न ने, के अश्वत्थामा मारा गया कह करके उसकी मनोदशा बदल दी। तो क्या धृष्टद्युम्न वीर साबित हुआ, नहीं, वीर तो द्रोणाचार्य है। इसी प्रकार राजा समुद्र सेन तो भगवत भाव में विभोर हो गए और भीम ने उनको परास्त कर दिया, तो क्या भीम विजयी हुए, विजयी नहीं हुए। अब पराजित भीम कहे भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम रस की दृष्टि से विवेचना करें तो कौन श्रेष्ठ है, यही यहाँ का महात्म है कि रस की दृष्टि से समुद्र सेन है। क्या होता है कि जो ही कृष्ण वहां पर उपस्थित होते हैं, जो ही कृष्ण वहां पर दर्शन देते हैं, तो राजा कहता है प्रभु मेरी आंखें नहीं भरी, आप अगर गौरांग महाप्रभु होकर के, गौर सुंदर होकर के मेरे को दर्शन दो, क्योंकि गौर अवतार से पहले की घटना है ये, अगर आप गौर सुंदर होकर के मेरे को दर्शन दो तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। अब राजा ने क्या मांग लिया, सब कुछ ही मांग लिया गौर सुंदर के दर्शन की लालसा करके, क्योंकि जहां पर माधुर्य की प्राचुरता है वहां पर औदार्य लीला अवश्य आएगी, और जहां पर औदार्य की प्रचुरता है वहां पर माधुर्य लीला का अवश्य दर्शन होगा। तो कृष्ण ने राजा को गौर सुंदर दर्शन देने से पहले ब्रज में कुमुद वन में कुमुद विहारी रूप में
सखाओं और गोपियों गायों के साथ विचरण करते हुए दर्शन दिया। अब तो राजा जो है मूर्छा को प्राप्त होने लगा और तुरंत वही कृष्ण गौर सुंदर हो करके इस समुद्र गढ़ में राजा को दर्शन दे करके राजा को उन्होंने वो वस्तु प्रदान की जो प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष और अधोक्षक से भी श्रेष्ठ है। पर प्रत्यक्ष दर्शन तो सब समय ही त्रुटि वाला है क्योंकि हमारी इंद्रियों में भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्म पाटवादि चार दोष बैठे हुए हैं और जो परोक्ष दर्शन है वो स्वर्ग आदि हैं हमें मालूम है लेकिन इससे ज्यादा हमें वहां की अनुभूति इस शरीर में रह करके नहीं हो सकती। अपरोक्ष दर्शन में भी भगवान को हम लोग निराकार मानते हैं। अध्यक्षण दर्शन में भगवान विष्णु तत्व हैं, वह दर्शन साधारण नहीं है, वह भीम का हो सकता है क्योंकि भीम द्वारकाधीश कृष्ण के परिकर हैं और वहां पर ऐश्वर्य है। भीम विष्णुमय भाव में आसक्त हैं, संभ्रम भाव उनको अच्छा नहीं लगता, वो कृष्ण के साथ एक ही खटिया पे बैठ सकते हैं, एक ही सिंहासन पे बैठ सकते हैं लेकिन फिर भी कृष्ण उनके लिए साधारण नहीं है, कहीं ना कहीं ऐश्वर्य की बाधा आ गई लेकिन राजा समुद्र सेन के लिए ऐश्वर्य की कोई बाधा नहीं है। वो गौरांग महाप्रभु के रूप में, शचिनंदन के रूप में, कुमुद बन कुमुद बिहारी के रूप में, ब्रज बिहारी के रूप में और द्वारकाधीश के रूप में तीनों दर्शन वो भगवान के इस युद्ध स्थली में खड़े होकर के कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मात्र राजा ही वो दर्शन कर रहे हैं, भीम को भी कुछ मालूम नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो विजय किसकी हुई? विजय हुई राजा समुद्र सेन की। बोलो राजा समुद्र सेन की, वैष्णव ठाकुर की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे हरि बोल। ओम ज्ञान निराम ज्ञान जन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा गौर हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कुमार स्वामी बोला हरे परिक्रमा करते करते जे स्थाने उपस्थित हलो समुद्रगढ़ स्थान समुद्रगढ़ आर श्री श्री ब्रजमंडल कोलिना एटा हलो गुप्त वृंदावन यदि कोई वृंदावन परिक्रमा करे वो केवल वृंदावन परिक्रमा फल पावे क्योंकि यदि नवदीप धाम परिक्रमा करे और दो हाथ लड्डू वृंदावन धाम परिक्रमा तो हो ही जावे तार संगे संगे तार नवदीप परिक्रमा फलो ताके पावे। एखन ए स्थान की ब्रजमंडल कौन स्थान एटा बोले एटा के बोला है कुमुद वन जेखने कृष्ण राधा रानी संगे वही कुमुद बने जेखने लुको चोरी जेखने खेलते तखन राधा रानी चोर होतो कृष्ण दिए तीन जल रे मध्य डूबे थकते बोले के काके खुजते बारे तखन अगर राधा रानी की करते जखन जखन लुका तो ना ওই যে কুমুদ ফুল যেটা হলুদ রঙের রাধা রানীর রঙ হলো তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী তিনি ওই রকম মাথাটা করে না ওই কুমুদ বনের মধ্যে হলুদ ওই রঙের যে ফুল আছে ওর মধ্যে লুকিয়ে যেতে এই কারণে কৃষ্ণ খুঁজত
जब कृष्ण खुश तो खुलते बिता पे तो राधारायण के कहना भाई फूले के संगे राधारायण रमता समान हो गए थे तो मैंने कृष्णा तुम्हारे बोल कर आते आगे तो हेरे गए आप तुम नीचे तक प्रकट आओ तो राधारायण प्रकट होते हैं कखनो कखनो कृष्ण तिनी के लुका दे बोले कुठाय के लुका दे ये कुमुद रक्त के राम के होलो कृष्ण रंग नील कमल है तार मजगिए गोविंद तिनी से खाने लुका दे निकर मुख का इधर कम कर जारी थकते जब थकते हैं तो राधारायण खुश तो खुश तो कुछ डालते तो ना तर बोले हे श्याम सुंदर तुम्हें कुठाय एवर तुम्हें दर्शन लाओ तिनी ओकांते एक ने एक कुमुद बने कृष्ण तिनी राधारायण के संग सुंदर सुंदर लीला करते आज यही स्थान नाम हम लोग बहुला बन अभी ना बहुला बन बहुला माने की बोले बहुलाती इति बहुला जे मूल बहु हल श्रीमती राधा रानी जेखने गोपीरा राधा रानी के एने श्री श्याम सुंदर संगे जेखने मिलन करातो ओठा हलो बहुला बन आज कोई जे बहुला बन थी जगन श्री चैतन्य महाप्रभु तिनी ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जेखने पहुंच गए थे बहुला बनी সেখানে কি দেখেন ওই সুখ সারি সম্বাদ তিনি শুনে পারেন একটি হলো সুখ আর একটি হলো সারি সুখ বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন আর সারি কি বলে রাখে রাখো মদন মোহন হ্যাঁ বলে তত সময় পর্যন্ত মদন মোহন যদি আমার রাধারানী গোবিন্দের বাম পাশে যদি দাঁড়িয়ে থাকে নতুবা গোবিন্দ কেবল মদন তখন তোতা বলছে হ্যাঁ সুখ বলছে আমার কৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্ধন ধারণ করেছিল আর সারি কি বলছে রাখে রাখ গোবর্ধন ধারণ করেছিল বলে কে ধারণ করেছিল বলে দেখি কৃষ্ণ কোন হাত ধারণ করেছিল বলে বাম হাতে বলে কোন অঙ্গুলের মধ্যে বলে কনিষ্ঠ অঙ্গুলের মধ্যে বলে কি করে ধারণ করলো কি করে ধারণ করলো বলে শক্তিতে শক্তিতে তার শক্তিতে ধারণ করলো অতএব গোবিন্দর শক্তিটা কে আরে বলো জোর করে শ্রীমতী রাধা রানী কি এইখানে ব্রজের একটা কথা আছে বলে কচ্ছ মা খনক বল বেড়ো কচ্ছ গোপী নে করে গোপনে করি সহায় আর রাধা রানী কি কৃপা সে গিরিবর অতএব গিরিরাজ কে ধারণ করছিল শ্রীমতী রাধা রানী এইরকম ভাবে সে জানি সুখ সারি সম্বাদ মহাপ্রভু দর্শন করছেন অতএব এখানে এলে ওই যে বহুলা বলে যাওয়ার এই যে বহুলা বেন্টি ওইটা হলো রাধা কুণ্ডের অন্তর্গত হ্যাঁ রাধা কুণ্ডের অন্তর্গত অতএব এখানে এলে পরে কি হলো ওই বহুলা বনের ফল পেয়ে গেলেন এখানে কুমুদ বন যাওয়ার ফল পেলেন আর এখানে হলো অভিন্ন দ্বারকা যেরকম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি কে বলে তিনি হলেন রাধা ভাব তুচি সুবলিতম নবমী কৃষ্ণ স্বরূপম অতএব কলিযুগে শ্রী রাধা রানীর অঙ্গ কান্তি ভাব নিয়ে কৃষ্ণ এসেছেন যেরকম মহাপ্রভু হলেন পূর্ণ সেরকম ভাবে এই নবদ্বীপ ধামটা হলো পূর্ণ হলো নবদ্বীপ ধাম যদি কেউ নবদ্বীপ ধাম কে যদি কেউ পরিক্রমা করে তিনি অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমার ফল তিনি প্রাপ্ত হয়ে যাবেন নিতাই গৌর প্রেমানন্দে এই যে এখান থেকে এই জায়গাটা কি তাহলে এইটা হলো এইটা হলো সমুদ্র ঘাট আমরা গঙ্গা সাগর যাই না আমার বলি সব তীরত বারংবার গঙ্গা সাগর একবার যদি একবার কেউ গঙ্গা সাগরে যায় সমস্ত তীর্থতে বারংবার ভ্রমণ করো কিন্তু যদি গঙ্গা সাগরে কেউ যায় না বাস তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে অতএব গঙ্গা সঙ্গে যেখানে সমুদ্র যেখানে মিলন হয়েছিল এই যে গঙ্গার কত মহত্ব হ্যাঁ আর সাগর মানে সমুদ্র সমুদ্র সমস্ত তীর্থ জল সেই সমুদ্রকে দিয়ে মিলে অতএব সেখানে সমুদ্র গঙ্গা যেখানে মিলন হয়েছিল যেখানে সাগর মহারাজের সমস্ত সন্তান গুলো মরে যাওয়ার পর কপিল মুনির অভিশাপ সেখানে কি হলো কত হাজার বছর আগে তারা মরে গিয়েছে কিন্তু গঙ্গা অনেক দিন পরে এলো কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে কি হলো তাদের উদ্ধার হয়ে গেছে তাকে উদ্ধার হয়ে গেছে অতএব এখানে যদি কেউ আসে তাকে গঙ্গা সাগর আর যেতে লাগবে না এখানে এলে ও গঙ্গা সাগর যাওয়ার ফল এখানে নিজে থেকে এখানে প্রাপ্ত হয়ে যাবে এত মহত্ব হলো এই স্থানে হ্যাঁ এত মহত্ব হলো এই স্থানে এইখানে এখানে একটা বিষয় দিয়ে যেরকম ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ বামন গোস্বামী আমাদের ভক্তিবেদান ছিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ থাকতেন তারা কিছু হরি কথা যাতে একটু
সুন্দর ভাবে হয়ে যায় তা নিজে নিজের মধ্যে মিত্রতা ছিল এই জন্য কথা বলবার উনি ওনার কথায় কেটে দিতেন উনি ওনার কথায় কেটে দিতেন সেখানে কিছু রসের বিচার আসতো ওই ধারা থেকে আমরা ধীরে ধীরে ওই ধারাটাকে কিছু সুন্দর যাতে হরিকথা হয় ওই ধারাটাকে আমরাও রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি এখন এক সময় কি হয়েছে এখন শ্রী যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি রাজস্ব যজ্ঞ করবেন রাজস্ব যজ্ঞ কে করতে পারে সবাই করতে পারে না রাজস্ব যজ্ঞ রাজস্ব যজ্ঞ করার হলো পৃথিবীতে যত রাজা যে রাজার আনুগত্যকে স্বীকার করবে ওই কেবল রাজস্ব যজ্ঞ করতে পারে আর যদি রাজস্ব যজ্ঞ ওই করতে পারে এবার এখানে শ্রী যুধিষ্ঠির মহারাজ চিন্তা করছেন ওই রাজস্ব যজ্ঞ করছে না কেন কিসের জন্য আপনি শুনবেন যেখানে অগ্র পূজা তার নিয়ম হলো তার অগ্র পূজা আগে পূজা তার হবে সবাই অগ্র পূজা হবে না অতএব সেখানে শ্রী কৃষ্ণ কেতনি সেই অগ্র পূজা করিয়ে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তিনি কৃষ্ণের জয়গান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার খ্যাতি ও এই উদ্দেশ্যে শ্রী যুধিষ্ঠির মহারাজ সেখানে রাজস্ব যজ্ঞ করছেন যখন রাজস্ব যজ্ঞ করছেন এখন সম্পূর্ণ পৃথিবীর রাজাদের তার আনুগত্য স্বীকার করতে হবে অনেক টাকা পয়সার দরকার আছে তাতে চার ভাইকে তিনি চার দিশার মধ্যে তিনি পাঠিয়েছেন আর ভীমসেনের যে নম্বর এই দিকে এসছে এখানে ভীমসেন যখন তিনি যুদ্ধ করতে করতে এখানে এসেছেন এখানে একজন রাজা থাকতেন যার নাম ছিল সমুদ্র সেন তিনি এইখানে থাকতেন যখন ভীমসেন যখন এখানে যুদ্ধ করতে করতে সবাইকে নিজের আনুগত্য করতে এখানে এখানে যখন এসেছেন এখানে আসার সময়ে ওই যে সমুদ্র সেন রাজা ছিল এখানে ছিলেন সাধারণ সাধক ভক্ত হলো দুই ভাগ একটা হলো রাগাত্মিক ভক্ত একটা হলো রাগানুগ ভক্ত হ্যাঁ কিন্তু ভীমসেন কে বলে তিনি হলেন রাগাত্মিকা ভক্ত যার মধ্যে সেই কৃষ্ণ চরণে অনুরাগ বিদ্যমান তিনি সাধারণ নন এই জন্য বলছে গুরম পরম ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গম হ্যাঁ গুরম পরম ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গম যেখানে গুরম পরম ব্রহ্ম কে বলে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণ যেখানে এই যুধিষ্ঠির মহারাজের বাড়িতে তিনি থাকতেন হ্যাঁ আর সকাল থেকে কি হয় সকালে অনেক ঋষি মুনি তার লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকে কেন সেই গোবিন্দকে দর্শন করার জন্য কিন্তু সেই গোবিন্দ তিনি কি করছেন তাদের বাড়িতে খেলাধুলা করছেন তাদের সঙ্গে ইয়ার কি খাতা পাশা খেলা এইসব করছে হ্যাঁ এইভাবে তখন যখন এখানে এসছেন ওই যে সমুদ্র স্তরের রাজা এখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ দর্শন হয়নি মহাপুরুষদের দর্শন কিছু করেনি তিনি এখানে সাধারণ যেরকম ভক্ত করে ওই রকম ভাবে তিনি এখানে থাকতে বুঝতে পারছেন তো এখানে কিন্তু কৃষ্ণকে দর্শন করেনি এখানে তিনি চিন্তা করলেন যখন ভীম সেন এলে তখন চিন্তা করছেন যদি আমি ভীমকে যদি যে কোনো ভাবে যদি আমি পরাস্ত করতে পারি না কি হবে কৃষ্ণ নিজে অর্জুনকে বলছেন কৌন্ত প্রতিদানি নামে ভক্ত পরিষদ হে অর্জুন তুমি প্রতিজ্ঞা করো আমার ভক্তের বিনাশ নেই ভক্তের তো বিনাশ হতেই পারে না তারা হলো প্রেমাকর ভক্ত তারা সাধারণ নয় হ্যাঁ তার প্রেমাকর ভক্ত নিশ্চিত ভাবে গোবিন্দ তাকে রক্ষা করতে তিনি আসবে নেই আর যখন গোবিন্দ তাকে দর্শন করতে আসবে না বাস আমারও দর্শন হয়ে যাবে তিনি এই চিন্তা করে তিনি কি করছেন এইরকম তিনি যুদ্ধ করতে আরম্ভ করছেন যুদ্ধ করতে আরম্ভ করছেন আর ভীমসেন তো কেন কে কে বলে তুমি তো ভীমসেনকে পরাস্ত করলেন বলে না দুজন হলো ভক্ত কিন্তু তিনি সাধক তিনি হলেন সিদ্ধ ভক্ত আপনার দেখবেন যদি ছেলেদের ছোট ছেলেদের তিনি ঝগড়া হয় না দেখবেন যে বড় ছেলে ছোট ছেলে যে তাদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া হয় বাপ মা তার সঙ্গে নিয়ে তার পক্ষে নিয়ে বলে দেখি ছোট ছেলের পক্ষে নিয়ে বড় ছেলের পক্ষে নিয়ে না আপনার এখানে সমুদ্র সে এই ধরনের সমুদ্র সেন কি করছে তিনি চিন্তা করছেন যে আমি পরাস্ত করলে পরে কি হবে গোবিন্দ তাকে রক্ষা করতে আসবে তিনি যখন যুদ্ধ করতে আরম্ভ করছে এই ধরনের ভীম সেন যে পালাটা একটু ধীরে ধীরে কম হতে আরম্ভ করছে যখন কম হতে আরম্ভ করছে তখন ভীম সেন তো ভগবানের ভক্ত তিনি পরম ভক্ত তিনি সেই গোবিন্দকে তিনি স্মরণ করছেন আর যখন গোবিন্দকে স্মরণ করছে না সাক্ষাৎ রূপে এখানে তিনি সেই গোবিন্দ এখানে প্রকট হয়ে গেছে তাই এখানে গোবিন্দ প্রকট হয়ে গেছে গোবিন্দ প্রকট হয়ে গেছে এখানে সমুদ্র সেনের রাজা এখানে সেই গোবিন্দকে দর্শন করেছে
जब दर्शन करे थे बोले हमार तो इच्छा पूर्ण हो गल हमें गोविंद के दर्शन कर ली थे हमारी इच्छा पूर्ण हो गल युद्ध के शांत कर दे आर भीमसेन की मन हेरे गले तक के अनेक रत्न दान आदि भीमसेन के पूजो करे अनेक रत्न दान करे बोले के ना बोले एना कृपा ते आज आमी कृष्ण के एला एखाने प्रश्न हो प्रश्न एखाने ये उठचे के बोले समुद्रसेन राजा श्रेष्ठ भीमसेन तो द्वारकाधीश कृष्ण भक्त और समुद्र सेन तो एखाने नवद्वीप थाकते एखाने तिनी होलेन श्रेष्ठ আপনারা বলুন আপনাদের প্রশ্ন করছি এখানে সমুদ্র সেন রাজা হল সাধক এবার কৃষ্ণ দর্শন মহাপ্রভু দর্শন হয়নি বুঝতে পারছেন তো হ্যাঁ দেখো আমি আমি হিন্দি বলতাম ইহা পরে কি হত শাস্ত্র বিচার লেখে কে শ্রী সমুদ্র সেন রাজা কে শ্রেষ্ঠ কেউ এখানে নবদ্বীপ নবদ্বীপ মে ও রাজা থে হনুমান আমার ভীমসেন তো দ্বারকা দেশ কৃষ্ণ কা ভক্ত ইয়ে তো মহাপ্রভু কা ভক্ত শ্রী সমুদ্র সেন অতএব কিছু বড়ে গো নেই एक पक्ष कहते हैं जैसे हमारे श्री वीर कृष्ण पर माधव आज हम लड़ाई करना शुरू करेंगे ये लोग इसका पक्ष लेते हैं आप लोग विचार करो ये पक्ष लेते हैं समुद्र सेन का कि समुद्र सेन राजा बड़ा है भीम सेन छोटा है हैं लेकिन मैं इन लोगों को प्रश्न करता हूँ आज उनको जो कृष्ण दर्शन कैसे हुआ है किसकी कृपा से कृष्ण दर्शन हुआ बोलो हम लोग भीमसेन की जैसे भीमसेन की कृपा से कृष्ण दर्शन हुआ है इसलिए गुरु कौन हुए चेला कौन हो गए चेला हुए समुद्र संग्रह हो गए चेला अच्छा अपना चेला बड़ा ना गुरु बड़ा है बोले प्रथम तो गुरु पूज्य गुरु 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 चेला शंकर इसलिए गुरु जी हो गए बड़े इसलिए गुरु जी की कृपा से तो कृष्ण दर्शन हुआ ना उनको कृष्ण दर्शन हुआ इसलिए गुरु जी हो गए बड़े हाँ शिष्य हो गए शिष्य अब इनका दूसरा फिर प्रश्न है कहते नहीं उन्होंने तो नवद्वीप था अपने कुमुद मंडल में कृष्ण को दर्शन किया है कृष्ण दर्शन हुआ इसलिए ये श्रेष्ठ है लेकिन जो कृष्ण दर्शन बाद में हुई है देखो गुरु जी के अंदर में जो चीजें है ही नहीं वो शिष्य को कभी वो चीज दे नहीं सकता है गुरु जी के अंदर में जो चीज है तभी वो शिष्य को दे सकता है इसलिए यहाँ पर उन्होंने भीमसेन की कृपा से भगवत दर्शन हुई अगर इनके प्रोटीन में अगर ब्रज भक्ति नहीं होता तो उन्होंने उनको दर्शन कैसे हुआ है गुरु जी कृपा से हुए ना तो गुरु कौन बड़े हो गए गुरु जी बड़े हुए दूसरी बात है ये लोग ये कहते हैं कि ये तो भीमसेन तो कहते भीमसेन तो द्वारका परिकर है और ये तो ब्रज परिकर है तो ब्रज परिकर श्रेष्ठ होनी चाहिए बोले नहीं यहाँ पर सिर्फ भीमसेन है यहाँ पर श्री भीम से उन्होंने राधा कुंड में भीम से नीम वृक्ष रूप में प्रकट हुए भीम से राधा कुंड में नीम वृक्ष रूप में प्रकट हुए इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब कुंड को बनाने के लिए जा रहे थे उसी समय में पंच पांडव ने स्वप्न दिया जरा मंदिर दर्शन करे आपनारा कृपा करे मंदिर थे लेवे के ऊपर के सुजोग करे दे इसलिए कहते भीमसेन ने कहाँ पर जन्म हुए बोले राधा कुंड में वृक्ष रूप में जन्म हुए हैं अब वृक्ष रूप में जन्म होकर उन्होंने किया उन्होंने राधा रानी की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया प्राप्त करके फिर केवल वहाँ नहीं राधा कुंड तो प्राप्त किया ही है फिर उसके बाद में फिर किया हुआ फिर श्री नवद्वीप धाम लीला में फिर भीमसेन किस रूप में फिर जन्म लेते हैं इसलिए महाप्रभु पांडु को कहते हैं है? कहते श्री शिवानंद पिताजी का नाम क्या है भवानंद राय भवानंद उनके पांच बेटे हुए हैं फिर पंच पांडव ने महाप्रभु परिकर तो प्राप्त करके फिर उन्होंने पंच रूप में जन्म हुए इसलिए महाप्रभु कहते हैं भवानंद सेन को बोले देखो तुम पांडु हो तुम्हारी जो पांच बेटे है ना ये कौन है बोले ये पंच पांडव है इसलिए फिर भीमसेन ने महाप्रभु का परिकर बनकर के फिर आए और साक्षात रूप में परिकर बनकर के आए और फिर भवानंद साहब ने जब महाप्रभु का प्रेम में वो विभोर होकर के नृत्य करते थे कहते पांच पांडव इनको साथ में ये भी महाप्रभु का प्रेम में नृत्य करते थे इसलिए भीमसेन किसी तरह से कम नहीं है
हर तरह से भीमसेन सर्वश्रेष्ठ है। ये कृष्ण परिकर, महाप्रभु परिकर और सबका परिकर कौन है? श्री भीमसेन। बोले श्री भीमसेन की जय। मग दूसरा हरे कृष्ण। आप लोगों ने अब तक श्रीधर मान से बहुत युक्तिपूर्ण वचन सुना। इस करने के पहले आशीर नमस्कार क्रिया वस्तु निर्देश पहले गुरुवर्ग का प्रणाम करना चाहिए। श्रीधर मणि में चाचा गुरु है, जब गुरुदेव थे तेल लगाने जाते थे गुरुदेव उनको, नहीं तुम्हारे गुरु भाई मत करो, उनका दिल दुखता था। मैं ठाकुर जी बोलते थे ये नवीन प्रेमानंद स्वामी मेरा परकीय शिष्य है। तो मैं एक दिन क्या किया, श्लोक रचना कर दिया, शिष्य श्री श्री उपस्थ नारायण स परकीयम तैलमर्दन नित्य सेवा चाचा गुरु भजाम महम बोल दिया। तो गुरु जी हंसने लगे, सब हंसने लगे, उनका काम बन गया। ऐसे ही मैं कुछ कहने के पहले उनको प्रणाम करके बोल चाहता हूँ, बोलो विजय भाव का आशीर्वाद दीजिए। देखो देखो महाराज जी पहले से ही परास्त हो गए, इसलिए महाराज पहले में तो परास्त पहले हो गया हूँ, इसलिए आशीर्वाद मिले। देखिए आप देखिए, आप लोग श्रीधर महाराज जी की बात मानेंगे या गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जी का और विश्वनाथ चंद्र ठाकुर सनातन गोस्वामी, एक तरफ सनातन गोस्वामी पर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर और नारायण गोस्वामी महाराज और दूसरे ओर श्रीधर महाराज, किसको मानेंगे आप लोग बताइए, किसको बात सुनेंगे? गुरुदेव की बात, सनातन ठाकुर की बात, सनातन गोस्वामी महाराज जी ने बताया भीम साधक है, भीम सिद्ध है, सिद्ध है और समुद्रशन साधक मैं मानता हूँ, दो राय नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद अपने बृहद भगवतामृत ग्रंथ में दिखाया भक्त पांच प्रकार, ज्ञानी भक्त कौन है, कौन है? प्रहलाद महाराज वो सिद्ध है, अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त सिद्ध नहीं है लेकिन प्रहलाद महाराज से बहुत श्रेष्ठ है। सनातन गोस्वामी दिखाया और उनके परंपरा में जितने भी लोग आए सब दिखाया। बोलो समुद्रशन महाराज। অত্যাচার করে কখনো বলে ভীমের প্রথম ভুল, বলো সমুদ্রসেন মহারাজ কি? আবার দেখুন ভীমসেন কি বললো, গিয়ে কি হলো রাধা কুণ্ডের তটে গিয়ে নিম গাছে গিয়ে জন্ম হয়েছে। আরে কি নিম গাছে জন্ম হয়, রাধারানী নিম পাতা রাধা কৃষ্ণ খাওয়াবেন না কৃষ্ণ খাওয়াবেন? আরে কোন ফলের গাছ হতো, ফুলের গাছ হতো, ফুলের রাধা জি ফুলতে ফলের ফল করে কৃষ্ণ খাওয়াবেন, এইটা বড় ভুল করেছে। দবাই তো কড়ুয়া হয়ে গেছে, যে পেট মে যা না বড়িয়া কাম করতে হয়। ঠাকুর আপনি কৃষ্ণ ভবনামৃত মে कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में उसमें कड़ुआ फुड़ुआ का कोई वर्णन नहीं किया रहा है, कड़ुआ बना के खिला दिए, कभी नहीं दिखाया, जो पेट गड़बड़ है वही कड़ुआ कृष्णा कृष्णा मीठा खा गए ना शुगर हो गई, महाप्रभु जानो लेना पड़ा। ये देखना बंगाल में जो कुछ देते हैं ना, पहले क्या कहते थे नीम, पहले करेला पहले नीम देता है, क्यों? वो पहले पेट में जाएगा तो बीमारी को सही करेगा। और भीमसेन की है केवल दारा का भी से दर्शन हो चक्र ठाकुर की बोल आराध्य भगवान ब्रजेश तनय ब्रजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर आराध्य চক্রবর্তী ঠাকুর যিনি ব্রজের কন্দর্প মঞ্জরি কখনো বলেন নাই কি আমাদের আরাধ্য দ্বারকাধীশ,
গুরুদেব শ্রী নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, শ্রী বামন গোস্বামী মহারাজ, শ্রী শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ, কোন গুরু পরম্পরাতে কখনো কেউ বলেন নাই যে আমাদের আরাধ্য তারকা শ্রীকৃষ্ণ, কখনো বলেন নাই। বলো ভীমসেন মহারাজ কি রাধা কৃষ্ণ পরিকর সমেত দেখুন কে শ্রেষ্ঠ। আবার তাই নয়, আবার ঔদার্যময় বিগ্রহ কে মহাপুরুষ দর্শন করলেন, ভীম কিন্তু এসব দর্শন করতে পারলেন। সমুদ্রসেন মহারাজ কি किसने स्वप्न समाधि में दर्शन किया है, किसने डायरेक्ट रूप में महाप्रभु की लीला में परिकर बन करके आए और महाप्रभु को साथ में साक्षात श्री हैं, महाप्रभु को साथ साक्षात भीम से वो जन्म ग्रहण करके उनको प्रेम को साथ में साक्षात रूप में नृत्य कर रहे, बताओ तो दोनों में कौन बड़ा होगा? साक्षात रूप में जो प्रकट हुए। और ये लोग कहते हैं जैसे कुमुद वन में इन्होंने दर्शन किया, कुमुद वन में दर्शन किया, लेकिन भीमसेन ने कहाँ पर जन्म लिया? कहते राधा कुंड में जन्म लिया। आप बोले नहीं, पेड़ होकर जन्म हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं? बोले जब किंचित तीन गुलमा किकट मुख ही, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जितने ब्रज के किकट पेड़ पौधा ये जितने हैं, ये सबके सब भगवान की परिकर हैं, सबके सब परिकर। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदा विपिन सुरमी, जद्यपि वृंदावन अत्यंत सुंदर है, रास मंडल अत्यंत सुंदर है और दूसरे जैसे कुमुदवन अत्यंत सुंदर है, प्रेम सरोवर अत्यंत सुंदर है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं राधा कुंड की महिमा को साथ में जितने सारे तीर्थ एकत्रित करने पर भी उसका एक एक कण को साथ में तुम बराबर नहीं कर सकते हो। राधा कुंड की, राधा कुंड में जहाँ पर वृक्ष रूप में जन्म लेना, उनको ये मत समझो वृक्ष हो गए। इसलिए एक समय वृंदा देवी आई तो राधा रानी पूछती है वृंदा तुम कहाँ से आ रही हो? बोले मैं राधा कुंड से आ रहा हूँ। बोले तुमने देखा किया? बोले श्याम सुंदर ने नृत्य विद्या सीख रहे हैं। बोले नृत्य विद्या किससे सीख रहे हैं? बोले जितने राधा कुंड के लता पताओं को साक्षात कृष्ण रूप में दर्शन करते हुए और नृत्य विद्या सीख रहे हैं। तात्पर्य यह है राधा कुंड का जितने लता पता वृक्ष वो साधारण नहीं, वो सब के सब राधा रानी के भाव में विभावित है। अगर कोई बोले नहीं वहां पर पेड़ हो गए, नहीं, दूसरे जगह पर क्यों पेड़ नहीं हुए? राधा कुंड में क्यों पेड़ होकर के आए? फिर इतना नहीं, जैसे महाराज बोले तो द्वारका परिकर नहीं। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं मुक्त अवस्था में मुक्ता भी लीला विग्रह कृता भगवतम सबंत, एक साथ में मुक्त अवस्था में जैसे श्री राय रामानंद, एक तो कौन है? और अर्जुन है, अर्जुन ना सखी है वो भी अर्जुन है, फिर वो कौन है? बोले श्री राय रामानंद महाप्रभु का परिकर बन करके आए, फिर कृष्ण परिकर में भी सर एक साथ में जैसे उनके अंदर में ये सारे स्वरूप विद्यमान है, उसी तरह भीम से होने पर भी लेकिन वो एक साथ में भी समस्त परिकर अंदर में प्रवेश करते हुए वो महाप्रभु लीला कर रहे हैं। तो श्री भीमसेन महाराज ये लोग हर साल हाथ रखे, लेकिन ये जोर जबरदस्ती ना जोर অনুকূল পরিকর বলে বললেন না, ওখানে দাস গোস্বামী আমি মিথ্যা কথা বললেন, লীলা দেখুন ওখানে ভীমসেন আছেন বিখণ্ড হয়েছেন, কখনো কৃষ্ণের বা রাধিকার দর্শন হয়েছে কোথাও বদলাম নাই, জবরদস্তি যদি যদি বাজার গঞ্জন হয় নাকি হবে না। তর্ক বিতর্ক নেই,
आप लोगों को कुछ अच्छी सिद्धांत को समझाने के लिए हम लोग आए। आप लोग हमारा जो ड्रामा है आप लोग किसने कुछ सिद्धांत सीखने को मिला।